नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर संसद में बवाल। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा दिल्ली की एक चुनावी सभा में दिए गए विवादास्पद बयान पर संसद में जमकर बवाल मचा। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया, हालांकि बाद में साध्वी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। साध्वी ने कहा था कि इस देश के मुसलमान और ईसाई सभी राम की संतान हैं और जो इस बात को नहीं मानेंगे वे इस देश को भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि अब आपको तय करना है कि इस बार दिल्ली में राम यादव की सरकार बने। इसके साथ ही उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग किया। धरने पर बैठे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी सरकार पर यू टर्न लेने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। राहुल ने कहा कि काला धन भ्रष्टाचार पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस ने सोमवार को एक बुकलेट जारी कर केंद्र सरकार पर 6 माह में 25 बार यू टर्न लेने का आरोप लगाया था। बिना डिग्री के ही चीफ इंजीनियर बन गया था यादव सिंह। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बारे में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक जानकारी के मुताबिक 1000 करोड़ के इंजीनियर यादव सिंह ने अपनी ज़्यादातर नौकरी बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के ही कर ली। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दौरान उसे पदोन्नति भी मिलती रही। यादव 1980 में नोएडा अथॉरिटी में JE के पद पर तैनात हुआ था। 1985 में उसका प्रमोशन हुआ और वह असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गया। इसके बाद 1995 में उसे प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया गया। नियमानुसार प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। हास्य अभिनेता देवेंद्र वर्मा का निधन। मशहूर हास्य अभिनेता देवेंद्र वर्मा का मंगलवार को पुणे में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। देवेंद्र ने अपने करियर में लगभग 149 फिल्मों में काम किया। इनमें गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी, दिल और जुदाई प्रमुख फिल्में थीं।